हे दोस्तों, अगर आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी को कंप्लीट करने के बाद मर्चेंट नेवी की फील्ड में एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हो, विच इज अराउंड 1 लाख से 2 लाख पर मंथ, देन जीएमई कोर्स में इनरोल करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको जीएमई कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि व्हाट इज जीएमई कोर्स, हाउ टू गेट एडमिशन इन जीएमई कोर्स, टॉप कॉलेजेस फॉर जीएमई कोर्स एंड विच टाइप ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू फेस ड्यूरिंग द कोर्स, और भी जीएमई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो अगर आप भी इस कोर्स में इनरोल करने के लिए एक्साइटेड हो, देन मेक श्योर वीडियो में दी गई सभी जानकारी को नोट करना, ध्यान से सुनना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कॉन्टेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज जीएमई। देखो, जीएमई का पूरा मतलब है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। बेसिकली ये 1 ईयर का ट्रेनिंग कोर्स होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि मर्चेंट नेवी की फील्ड में अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी को कंप्लीट करने के बाद एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 1 साल का समय लगेगा, जो कि 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। और इस पूरे 1 ईयर के कोर्स में आपको मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि मरीन ऑक्सिलरी बॉयलर्स, मरीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी, इंटरनल कंबशन इंजन, मरीन इंजीनियरिंग ड्राइंग और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि जीएमई कोर्स को कंप्लीट करवाते हैं और वहां से स्टूडेंट का अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। और अगर बात करें सैलरी की, तो अगर आप किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से जीएमई कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी के बाद, तो उसके बाद आप जब अपनी पहली जॉब पे जाओगे तो वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी एवरेज 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी पा सकते हो। बट इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट जहां से आप जीएमई कोर्स को कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि बहुत ही अच्छे हैं फॉर जीएमई कोर्स, जिनमें से सबसे पहला नाम है एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम एकेडमी। इनकी खुद की एक शिपिंग कंपनी है और यहां से जीएमई कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान होता है प्लेसमेंट को पाना। उसके बाद आता है आईएमएस गोवा, जो कि एक डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है। उसके बाद है द ग्रेट ईस्टर्न, उसके बाद आईएमआई नोएडा, उसके बाद है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी, एंड उसके बाद टोटल 24 कॉलेजेस हैं जो कि DGS अप्रूव्ड है, जिसका मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। बट ये सारी चीजों को कंप्लीट करने में आपको फी पे करना होगा, विच इज अराउंड 2 लाख टू 5 लाख फॉर फुल कोर्स। ओके, अब सवाल ये आता है कि अगर आप जीएमई कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी और कौन सी कंपनी में मिलेगी। देखो, आप सबको पता है कि इंडिया और बाकी देशों में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम समुद्री रास्तों के थ्रू बहुत ज्यादा होता है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने में शिपिंग कंपनियों का हाथ होता है। और ऐसी शिपिंग कंपनीज में एक जीएमई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। बेसिकली कुछ टॉप शिपिंग कंपनीज है जो कि वैसे इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है जिन्होंने जीएमई कोर्स को कर रखा होता है, वो है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट लिमिटेड, DHL एक्सप्रेस, के लाइन, लार्सन एंड टूब्रो, मित्सु ओएसके, और भी बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनियां हैं जहां पे एक जीएमई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और क्या क्या एलिजिबिलिटीज एंड क्राइटेरिया मांगा जाता है। ओके, अगर एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया की बात करें तो अभी आप लिस्ट पे DGS अप्रूव 24 ऐसे कॉलेजेस के नाम देख रहे हो जहां पे जीएमई कोर्स को करवाया जाता है। मैं 2-3 इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेके आपको सभी चीजें बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले एंग्लो ईस्टर्न, जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इस कोर्स के लिए, अगर उसके एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया की बात की जाए फॉर जीएमई इंजीनियर्स, तो आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक इन मैकेनिकल, नवल आर्किटेक्ट और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन। अगर आपका बीई बीटेक है इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो विद मिनिमम 65% मार्क्स इन द फाइनल ईयर, आप देख सकते हो। साथ ही 12th क्लास में आपका कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए या डिप्लोमा में 65% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हो और उसके बाद आपने लेटरल एंट्री लिया है बीटेक में, तो आपको भी कम से कम 65% मार्क्स लाना होगा। 28 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और फिजिकल फिटनेस में आप फिजिकली फिट होनी चाहिए और आपकी आई साइट 6/20 होनी चाहिए। ये तो था एंग्लो ईस्टर्न के केस में। उसी तरीके से आप यहां से सभी इंस्टीट्यूट का यहां से पूरा डाटा देख
सकते हो और यहाँ इस वेबसाइट पे आपको इनका प्लेसमेंट डिटेल्स भी मिल जाएगा। इस पूरी लिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी तरीके से अगर IMS गोवा की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया थोड़ा कम है, 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे हाइट एंड वेट आप देख सकते हो 1.5 मीटर एंड 51 केजी एटलीस्ट होनी चाहिए। इस तरीके से सभी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको इनके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। सभी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके आपको उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा और वहां पे आपको एडमिशन के कॉलम में जाके एडमिशन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितना फी रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटीज एंड क्राइटेरिया है और भी बाकी सारी चीजें। बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होता है चैलेंजेस का पार्ट। देखो, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लोगे बट कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा ही, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे और आपकी स्किल के ऊपर। बट देखो, एक तरीका है जिससे कि आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। बेसिकली इस फील्ड में स्पॉन्सरशिप का एक बहुत ही अच्छा रोल है, मतलब कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले जाओ तो वहां पे आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करती है अलग अलग कंपनियां, जिसका मतलब जैसे आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको जॉब के लिए भटकना नहीं होगा, उस कंपनी में आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही। इस एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप जब कभी किसी कॉलेज को चूज करो, उसमें GME कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाओ, तो आप ये इंश्योर करो कि आपको स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अगर कोई कॉलेज आपको ये रिकमेंड करता है कि आप कोर्स में इनरोल कर लो, आपको बाद में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में फंस सको। अगर आपने किसी गलत इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया विदाउट स्पॉन्सरशिप तो शायद आपके लिए आगे चल के बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इस चीज से बचने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके GME सर्च करो, GME कोर्स सर्च करो। आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट को पास किया है, इंटरव्यू क्रैक किया है और आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आपको इस पूरे करियर में आगे बढ़ना है, ताकि आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल सके और आपके पैसे सेफ हो सके, क्योंकि इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। और साथ ही आपको यूट्यूब पे ये भी पता चल जाएगा कि इस पूरे करियर में कैसे कैसे आप ग्रो करोगे, आपकी सैलरी कितनी जा सकती है, आपकी पोस्ट क्या हो सकती है, ये सारी चीजें आपको YouTube के थ्रू पता चल जाएंगी। मेरा इस फील्ड में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने इंटरनेट से काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक शेयर करने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको GME कोर्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड और भी अलग अलग कोर्सेज या करियर स्कोप से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करो। मैं जल्द ही आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।